हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th एक्सरसाइज 4.3। 4.2 तक हम कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम 10th क्लास में भी निकालते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अब हम किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे? विद डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट से निकालेंगे हम एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। कैसे निकालेंगे देखते हैं। फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं, उनसे हमें फाइंड करना एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। और लास्ट जो हमारे पास कॉलम होगा उसको हम क्या लिखेंगे? 1 1 1। अब x1 हमारे पास क्या है? ये x1 है, ये x2, ये x1 नोट कर देती हूँ मैं, x1, ये y1 आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास x2 y2 x3 y3। ठीक है, अब हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे इसको। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। वैल्यू पुट करेंगे 1/2 एज इट इज। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 है, तो 1 पुट कर दिया। x2 0, x2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 6। x3 हमारे पास क्या आ जाएगा? 4। फिर y1 0, y2 0, y3 3। और लास्ट हमारे पास क्या रहेगा? 1 1 1। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे 1/2 एज इट इज। फर्स्ट रो से हमने एक्सपेंड कर दिया, फर्स्ट रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे। 1 के और 0 की मल्टीप्लाई 0, और 3 और 1 की मल्टीप्लाई -3, 0 -3 माइनस। अब 0 से करेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 आ जाएगा, -0 प्लस। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3rd ये कैंसिल, ये कैंसिल, 6 3 जा 18 -0 क्या आ जाएगा आपके पास? 18 -0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 1/2 -3 और +18, 18 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? 15। तो क्या आ जाएगा? 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास क्या होगा? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। नेक्स्ट है हमारे पास a 2 7, b 1 1 एंड c 10 8। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 हमारे पास कितना है? 2, और y1 हमारे पास कितना है? 7। x2 हमारे पास कितना है? 1, y2 1 है, और x3 भी हमारे पास 10 है, और y3 भी 8 है, और लास्ट हमारे पास क्या लिखेंगे? 1 1 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देंगे, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, 1 1 जा 1, -8, 1 -8। फिर नेक्स्ट सेकेंड रम पे हम नेगेटिव करते हैं, -7, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, 1 1 जा 1, -10 क्या आ जाएगा? 1 -10 प्लस से। अब 1 से करेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 8 1 जा 8, -10 क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 -8 क्या आएगा? -7, -7 और 2 की मल्टीप्लाई -14, 1 -10 -9, -, प्लस हो जाएगा 9 7 जा 63, और 8 -10 -2, -2 की 1 से मल्टीप्लाई -2, 63 में से हम 14 और 2 16, 63 में से हम 16 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 47, बाहर क्या है? 1/2, क्या आ जाएगा? 47/2 स्क्वायर यूनिट। थर्ड है हमारे पास ए -2 3, b 3 2 c, -1 -8। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने फॉर्मूला लगाया 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, और 1 1 1 वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हमारे पास कैंसिल आ गया, -2, 2 1 जा 2, और -, प्लस हो जाएगा 8 1 जा 8, 2 प्लस 8। नेक्स्ट है -3, -, क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा हमारे पास 3। सेकेंड रो, सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 1 जा 3, -1 और 1 की क्या आ जाएगी? प्लस हो जाएगा, 3 1 4। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास ये आ जाएगा 8 3 जा, -24, 2 1 जा 2, -, प्लस हो जाएगा 1/2, 8 और 2 10 10 2 जा 20, -23 और 1 4, 4 3 जा 12, 24 प्लस का 2 -22,
और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -22। अब हमारे पास -22 और -20 कितना आ जाएगा -42, उसमें से 12 माइनस कर देंगे आएगा -30 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल कर दिया -15। बट एरिया कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम उसको क्या कर देंगे पॉजिटिव, क्या आ जाएगा 15 स्क्वेयर यूनिट। अगर आपके पास नेगेटिव आता है तब भी हम क्या लिखेंगे पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। शो दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। आपको बोल रखा है कि आपको प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। अगर हमें ये पॉइंट्स कॉलिनियर प्रूव करने, इट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या आएगा इज इक्वल टू जीरो। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो आएगा तो हम पॉइंट्स को क्या बोल देंगे कॉलिनियर। ठीक है, इफ द पॉइंट्स आर कॉलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी जीरो। अगर पॉइंट्स कॉलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा जीरो होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने फॉर्मूला लगाया 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ये पॉइंट हमें दे रखे हैं ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए सी ए प्लस ए बी। ऐसे कैसे लिख लिया 1/2 को बाहर ले लेंगे, फिर हमने एक्सपेंड कर दिया फर्स्ट रो से, फर्स्ट रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, सी प्लस ए के 1 के साथ करेंगे क्या आएगा सी प्लस ए माइनस ए माइनस बी आ जाएगा। फिर सेकंड में नेगेटिव आएगा माइनस बी प्लस सी, ये कैंसिल हमारे पास क्योंकि फर्स्ट हमने रो छोड़ दी और सेकंड हमने कॉलम छोड़ दिया। बी की और 1 की मल्टीप्लाई बी और माइनस सी प्लस 1 से कर देंगे ये कैंसिल बी की मल्टीप्लाई कर देंगे ए प्लस बी के साथ माइनस सी की मल्टीप्लाई सी प्लस ए के साथ। सॉल्व करेंगे ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बचेगा सी माइनस बी, ए को अंदर लेके आए ए सी ए की और बी की माइनस ए बी। अब हमारे पास b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, फॉर्मूला क्या बनेगा बी स्केयर माइनस सी स्केयर, बार माइनस है तो साइन चेंज माइनस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ए बी प्लस बी स्केयर माइनस ए सी माइनस सी स्केयर। अब ए सी प्लस है माइनस है कैंसिल हो गया, माइनस ए बी है प्लस ए बी कैंसिल, माइनस बी स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर माइनस सी स्केयर सारे कैंसिल हो जाएंगे 1/2 मल्टीप्लाई जीरो। जीरो की 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्या आएगा जीरो। तो हम क्या बोल देंगे पॉइंट सारे कॉलिनियर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू फाइंड करो इफ अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। अगर आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट दे रखा है तब हमें के की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड वर्टिसेस आर, और वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं, फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इज इक्वल टू +-4। +-4 हमने क्यों लिया क्योंकि अगर हमारे पास एरिया नेगेटिव होगा लिखने में फिर भी हमारे पास पॉजिटिव आता है तो हम दोनों लेके चलेंगे कि हो सकता है एरिया नेगेटिव आए या हो सकता है एरिया पॉजिटिव हो। तो उसके अकॉर्डिंग अगर नेगेटिव आया था तब हमारे पास के की वैल्यू क्या होगी, और अगर पॉजिटिव था तब हमारे पास के की वैल्यू क्या होगी। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम प्लस माइनस दोनों लेके चलेंगे। ठीक है, 1/2 फर्स्ट रो छोड़ देंगे फर्स्ट कॉलम, 0 और 1 की मल्टीप्लाई 0, 2 की और 1 की 2, तो क्या आ जाएगा -2। प्लस 0 से करेंगे खत्म हो जाएगा, फिर थर्ड करेंगे ये कैंसिल 4 2 8 और ये क्या आ गया 0। तो 1/2 -2 के प्लस 8 इज इक्वल टू +-4। अब एक बार हम इसको प्लस लेंगे एक बार इसको हम माइनस लेंगे, क्या आ जाएगा -2 के प्लस 8 इज इक्वल टू +4 ले लेंगे, एक बार हमने क्या ले लिया इसका प्लस 4 ले लिया। ठीक है, प्लस 1/2 को अपोजिट साइड लेके गए 2 4 8, तो प्लस का 8 लेके चल पड़े -2 के प्लस 8 इज इक्वल टू 8, -2 के इज इक्वल टू 8, ये प्लस है इसको इधर लेके आए माइनस हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, के की वैल्यू क्या आई 0। इसी तरह -2 के प्लस 8 इज इक्वल टू -8, -2 के -8 प्लस 8 को इधर लेके आए -8 -16 और माइनस से माइनस कैंसल, के इज इक्वल टू 16 इसको इधर लेके आए डिवाइड में 2 से कैंसिल हो जाएगा 8, के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8। के की हमारे पास दो वैल्यू आई 0 एंड 8। नेक्स्ट है हमारे पास इसी तरह ए इज -2 0 बी 0 4 सी हमारे पास है 0 k। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ प्लस माइनस
ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड कर दिया हमने इसको उठा के, एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 1/2। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 × 1 = 4 माइनस के, क्या आया हमारे पास -2, 4 - k। उसके बाद सेकंड हमारे पास स्टेप क्या आएगा, प्लस 0, क्योंकि हमारे पास सेकंड एलिमेंट 0 है तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 है। थर्ड हमारे पास 1 है, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये भी 0 ये भी 0, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा 0। 1/2 - 2, 4 - k प्लस 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। 1/2 माइनस, अब इसमें से पूरे में से हमने क्या है कि -2 था हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो -4 माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। क्या है, एक बार -4 माइनस के को हमने अलग अलग ले लिया, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव। -4 माइनस के इज इक्वल टू प्लस का 4 ले लिया, माइनस को अंदर लेके आए, -4 माइनस माइनस प्लस के इज इक्वल टू 4, -4 को इधर लेके आए प्लस हो जाएगा, 4 + 4 क्या आ जाएगा 8, के की वैल्यू आपके पास क्या आई 8। इसी तरह अगर हम यहाँ पे लेके चले -4 - k इज इक्वल टू -4 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 4 - k इज इक्वल टू 4। अगर हम k को इधर लेके आए प्लस हो गया, 4 को इधर लेके आए माइनस हो गया, 4 से 4 कैंसिल, k की वैल्यू आपके पास क्या आई 0, k की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, 0 and 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 and 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का यूज करके हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। अब हमारे पास ये सिंपल है कि अगर कोई भी हमारे पास लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है हमें, तो लाइन की जब इक्वेशन है तो इट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा 0, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया तो हमारे पास क्या हो गए, पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। कोलिनियर मींस एक ही लाइन में है, अगर कोई एक लाइन की नहीं पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है तो इट मींस सभी के सभी पॉइंट्स एक लाइन में है, एक लाइन में है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा आपके पास से 0। लेट पी बी एनी पॉइंट लाई ऑन द लाइन, हमने पी को एक ऐसा पॉइंट ले लिया जो लाइन ए और बी जो पॉइंट्स है उनको वो सेटिस्फाई करता है, ए बी एंड पी विल बी कोलिनियर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। तो हमारे पास ये जो तीनों पॉइंट्स है ये क्या होंगे हमारे पास कोलिनियर होंगे एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा आपके पास से 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। पी हमारे पास जो पी हमने पॉइंट लिया था वो क्या मान लिया एक्स और वाई, 1, 2 ये दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, 1, 2, 3, 6 1, 1, 1 इज इक्वल टू में क्या आया आपके पास से 0। ठीक है, अब आगे हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे 1/2, ये कैंसिल x हमारे पास आगे आएगा, 2 × 1 = 2 -6, -y से करेंगे ये कैंसिल, 1 × 1 = 1 -3, +1 से करेंगे ये कैंसिल, 6 × 1 = 6 3 × 2 = 6 ये आ जाएगा 1/2, 2 - 6 क्या आ जाएगा आपके पास -4, x 1 - 3 -2 - +2y ये कैंसिल हो गया, 1/2 को हम इधर लेके आए ये भी क्या हो गया 0 हो गया, तो क्या आ जाएगा आपके पास से अपोजिट साइड लेके जाएंगे 2y इज इक्वल टू 4x, 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4 y इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास से 2x। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड करनी है जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करती है 3, 1 and 9, 3 को। लेट पी एक्स वाई, पी हमने कोई भी पॉइंट ले लिया जो लाई करता है लाइन पे, ए और बी हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं, हेंस पॉइंट ए बी एंड पी विल बी कोलिनियर, पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर, देन इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा 0। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x y 3 1 9 3 और 1 1 1 0। अब हम इसको करेंगे एक्सपेंड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 और 3 1 - 3 क्या आ जाएगा 1 - 3 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड से करेंगे और थर्ड से, ये हमारे पास आ जाएगा 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 को अपोजिट साइड लेके आए 0 हो जाएगा, 1 - 3 क्या आएगा -2x और 3 - 9 -6 - +6y = 0। -2x को इधर लेके आए, 6y = 2x 2 × 1 = 2 2 × 3 = 6 क्या आ जाएगा x = 3y। ये हमारे पास पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट। अगर आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट है,
विद वर्टिसेस 2 और माइनस 6. वर्टिसेस हमारे पास क्या है, 2 माइनस 6 5 4 एंड k 4. देन k इज, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, इनमें से k की वैल्यू क्या होगी. एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, और इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 35. अब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, 1/2 फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल, 4 1 4 माइनस 4 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, ये कैंसिल 5 1 5 माइनस के प्लस 1 से करेंगे, ये कैंसिल 5 4 20 माइनस 4k इज इक्वल टू प्लस माइनस 35. 1/2 को उधर लेके जाएंगे, 35 2 70 हो जाएगा, अंदर से क्या आएगा, ये 0 आ गया, 0 भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 6 5 माइनस 6 5 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70. 30 प्लस 20 50 माइनस 6k माइनस 4k क्या आ जाएगा, 10k प्लस माइनस 70. एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, 50 माइनस 10k इज इक्वल टू 70. 10k इज इक्वल टू 70, इधर लेके आए माइनस 50 आ जाएगा, 70 में से 50 जाएगा 20. माइनस 10k इज इक्वल टू 20, k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस 2. नेगेटिव लेंगे, 50 माइनस 10k इज इक्वल टू माइनस 70, माइनस 10k इज इक्वल टू माइनस 70 माइनस 50, माइनस 10k इज इक्वल टू 70 और 50 का करेंगे क्या आएगा, माइनस 120. माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल हो जाए, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12. अब हमारे पास देखते हैं किस में है, माइनस 2 एंड 12. माइनस 2 और 12 हमारा किस में है, d के अंदर, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन d इज राइट आंसर. ओके, आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट है. थैंक यू.